जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग एंड फार्मिंग टिप्स में। तो चलिए आज की वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ जो एप्सम साल्ट होता है उसे कब प्रयोग करें, कितना प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, कौन से पौधों पर प्रयोग करें और कौन से पर नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में आपको ये सारी बातें बताएंगे। तो अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मिलने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे गुड़हल के जो दो पौधे हैं, जैसा कि ये हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया था और इसकी मैंने डायरेक्ट कलम लगाई थी। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो MgSO4 होता है। और ये देखिए, ये मैंने इसमें कर लिया है, तो आप देख सकते हो। कुछ लोग मैग्नीशियम सल्फेट को समझते हैं कि ये कोई खाने का सॉल्ट है, तो ये वो नहीं है। जो बुआला होता है, सेंधा नमक होता है, ये बुआला नमक भी नहीं है, जबकि खाने का नमक होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो उसमें और इसमें बहुत फर्क होता है। तो ये पौधों के लिए कहें तो संपूर्ण विकास के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसका प्रयोग कौन से पौधों पर करें, कौन से पौधों पर नहीं करें, जो आपके फलदार पौधे होते हैं, जैसे आपके अधिकतर बता दें हम जो सिट्रस प्लांट होते हैं, जो जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है और सपोटा वगैरह है, इन सभी पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको फूलों में बता दूं तो फूलों में आपके लिए जैसे गुड़हल है, बोगनविलिया है और आपका गेंदा है, मतलब सभी प्रकार के फूलों पर इसे प्रयोग कर सकते हैं एक तरीके से कहें। और आपको सब्जी में बता दें मैं आपको, तो इस पर मिर्च पर, टमाटर पर, बैगन पर और आपकी कैबेज होती है, कॉलीफ्लावर होती है, आप उन सभी पर इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है इससे डालने से। और आपको ये प्रयोग कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे प्रयोग करेंगे इसे। तो आप इसे देख सकते हो। और आपको एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करना किस पौधे पर है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका अरिका पॉम है, चाइना पॉम है और कई जातियां होती हैं जिन पर आपको ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने हैवी फीडर नहीं होते हैं। उन पर आपका जो नॉर्मल कंपोस्ट होता है, काउडंग कंपोस्ट, उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तो आप इसका बहुत ही कम मात्रा में, जैसे कि आप एक चुटकी में जितने दाने आए उतने दाने आप उसे भिगोकर डाल दीजिए। आप इसे डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं और आप इसे स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताता हूँ इसकी किस मात्रा में इसका प्रयोग करना है। तो ये देखिए, आपको मैं बता दूं इसका प्रयोग है, जो आपको जैसे टीस्पून होती है, टीस्पून आपको 10 से एक तरीके से कहें मात्रा की क्वांटिटी के अनुसार, तो क्वांटिटी के अनुसार इसे 10 से 12 ग्राम आप मिला सकते हैं और वो भी 1 लीटर पानी में। तो आपकी जैसे टीस्पून साइज है तो उसे आप 2 स्पून इसमें आप डाल देंगे। ये देखिए इतनी भरकर, तो इसमें डाल देंगे 1 लीटर मैंने पानी लिया हुआ यहाँ पर, और यहाँ पे हम 2 डाल देंगे। हल्की भरनी है आपको, ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरनी है। और भरने के बाद आपको इस तरीके से इसमें इसे चला देना है। ये जल में विलय होता है पूरी तरीके से, बहुत जल्दी घुलता है। और मैं आपको बता दूँ, जो आप मान लीजिए आप जैसे किसी पौधे की या पौध तैयार करना चाहते हैं या किसी बीज का अंकुर अच्छा पाना चाहते हैं, तो ये उसमें कम से कम 24 से 48 घंटे जर्मिनेट होने में आपकी बचत करता है। तो आप इसे जब आप किसी सीड्स का प्रयोग लगाने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके साथ इसे उस गमले में सॉइल में मिला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कलम लगाते हैं, जैसे मानसून आने पर आपकी कलमें अधिकतर तभी लगती हैं, तो तब आप लगाते हैं तो तब भी आप उन कटिंग में डालो तो उसमें जो लीफ होती है बहुत अच्छी जल्दी बढ़ती है। तो देखिए पूरी तरीके से घुल गया है। और एप्सम साल्ट है जो क्लोरोफिल की क्रिया होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है, जिससे आपकी पत्तियाँ हैं वो ग्रीन अधिकतर रहती हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आती है, काफ़ी साइन करने लगती हैं आपकी पत्तियां। तो ये देखिए पूरी तरीके से हाल तुरंत ही घुल गया है, अभी इसे 5 मिनट भी नहीं हुए और ये घुल गया है। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था,
ये मेरा पौधा है जो मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया है और इस पर काफ़ी अच्छी इस पर ये देखिए कलियाँ बन रही हैं फूल के लिए, पर इसमें फूल है वो काफ़ी छोटा आता है तो ये उसमें मदद करता है, आपका फूल काफ़ी बड़ा आएगा। इस पर देखिए लीफ भी बहुत कम है और काफ़ी छोटी हैं तो वो भी आपकी काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। और ये देखिए ये मैंने कलम से लगाया था ये पौधा, तो ये पौधा एक बार बीच में मर गया था तब मैंने इसका रिपोर्ट किया, ऐसे मैंने इसकी जो रूट्स था वो उसे मैंने इस पर ट्रीट किया है, उसके बाद ही वो कोफा पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इसके लिए ये देखिए मैंने एक लीटर पानी लिया हुआ है इसमें, तो हम इसमें 500 ग्राम वाटर डाल देंगे उसमें और 5 ग्राम इसमें डाल देंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से इसमें दे देना है और जो आधा पानी है इसमें दे देना, और आप देखिए 2 से 2.5 महीने बाद आपकी इतनी अच्छी इसमें ग्रोथ हुई, कुछ कहने का नहीं। तो ये आप देख सकते हो मैंने ये डाल दिया। अगर आप चाहते हो इसे डायरेक्ट नहीं डालना चाहते हो तो आप इसकी जो फॉलियर स्प्रे आती है उसमें भी इसी मात्रा में करके और उस पर स्प्रे करोगे तो डायरेक्ट इसकी जो लीफ होती है इसे ऑब्जर्व कर लेती है, इससे भी काफ़ी अच्छी आपके जो पौधे हैं वो ग्रोथ करते हैं। तो मैंने आपको एप्सम सॉल्ट का प्रयोग बता दिया है कब और कितना और किस मात्रा में करना है। और आप कहेंगे ये कब डालना है, तो मैं आपको बता दूं जब आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगें, फूल गिरने लगें किसी पौधे के या उसमें ये, और मैं आपको बता दूं हाँ एक और बात, ये कीट भगाने में जो पेस्ट होते हैं उन्हें भगाने में काफ़ी अच्छी मदद करता है, जैसे आपके मिलीबग है, घोंगा है एंड अदर जो कीट होते हैं वो भी इससे भाग जाते हैं, तो ये एक पेस्टिसाइड का ही काफ़ी अच्छा काम करता है। तो एप्सम सॉल्ट काफ़ी अच्छा सॉल्ट कह सकते हैं, इस तरीके से इस पौधे की संपूर्ण विकास के लिए काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।